माई चैनल लीनाज व्लॉग्स। तो आज से मैं फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ काफ़ी दिन बाद। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं जा रही हूँ समर कैंप और पूरे दिन में भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे मैंने इतना सब इसलिए पहन रखा है क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज पड़ रही थी सुबह 9-10 बजे भी, तो ऐसे पूरा ढक के जाती हूँ ताकि टैन ना हो ऑब्वियसली। पहुँच चुकी हूँ समर कैंप में। बच्चे बड़ा तैयार रहते हैं, आते ही गुड मॉर्निंग करने लगते हैं। आज तो सब लंच करने में बिजी हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया था हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का काम, ये मैम बना रहे थे बहुत सुंदर सा बालकनी में ये लगा रहे थे वो गमले आर्टिफिशियल बना के, और ये बॉटल आर्ट ये मैंने स्टार्ट करवाई थी। और बच्चे बड़ा मन लगा के करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, तो बढ़िया भी लगता है, कुछ नया बन के निकलता है तो उनको भी ऐसा लगता है अरे वाह हम भी बना सकते हैं, तो हम भी बनाएंगे घर जाके बनाएंगे। तो ये दूसरी बॉटल आर्ट कर रहे हैं, इन्होंने क्ले के साथ किया था और ये भी बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। अभी पूरा हुआ नहीं है पर ये पूरा हुआ तो बहुत सुंदर लगेगा। और उसी के साथ कुछ शैतान बच्चे भी होते हैं जो मतलब ठीक है काम तो सभी करते हैं पर बच्चों के साथ तो फिर वही है हंसी मजाक सब कुछ ही करने को मिल जाता है, बढ़िया लगता है। और मेरे व्लॉग में आने की सबको बड़ा एक्साइटमेंट था कि मैम व्लॉग बनाना, तो हमको भी लेना। ये मैं उनको पोर्ट्रेट्स बनाना सिखा रही थी स्वामी विवेकानंद की, तो काफ़ी सारे बच्चे मन लगा के बना रहे हैं कि हाँ हमको बनानी है। और बहुत से लोगों ने सीखा भी है अच्छे से हर टेक्निक। और इस बच्चे ने बहुत अच्छी बनाई थी, सबसे पहले भी मतलब तैयार करी है और अच्छी बनाई है, इसमें और अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा अच्छा। और ये मैं हूँ, मैं भी बना रही हूँ, मतलब सिखाते हैं तो खुद भी बनाना ही होता है। तो ये मैं प्लेट्स में लिख रही हूँ कॉर्ड्स जो हम लास्ट में लगाएंगे। और इसमें हम बना रहे हैं राजस्थानी बाबा पगड़ी वाले, तो ये भी काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। जो भी आउटकम है वो नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगे जो बन के तैयार हो जाएंगे, या फिर वो लास्ट डे जो हम एनुअल डे जैसा कुछ करेंगे वो। और ये एक बच्ची अपना वो दिखाने के लिए लाई थी मुझे ड्राइंग बुक, और इसकी इमेजिनेशन देख के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बनाई हुई थी इसने, ड्राइंग्स बनाई हुई थी डिफरेंट काइंड्स। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी इसने स्केच बनाया, अपनी मम्मी का और अपने घर का, घर में कौन सी किचन बाथरूम बेडरूम सबका, हॉस्पिटल। तो काफ़ी क्रिएटिविटी देख के बड़ी दंग रह जाती हूँ कभी कभी तो बच्चों की, कुछ बच्चे तो एकदम ही मतलब उम्दा लेवल निकल जाता है कि उनका पता होता है कि आगे जाके बढ़िया ही करेंगे आर्ट में भी बाकी चीज़ों में भी। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस किया, मैं सोच रही थी क्रिकेट खेलूं, सबको मौका मिलता है, सर मुझे सिखा रहे थे कि कैसे पोस्चर रखना है बैटिंग करते समय, बट इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं नहीं मार पाई किसी बॉल पे भी, तो फिर उसके बाद लास्ट में मैंने छोड़ दिया, मेरे बस की बात नहीं है ये। फिर आ गए थे हम यहाँ पर स्विमिंग पूल की तरफ, बच्चे मतलब स्विमिंग के लिए तो एकदम हमेशा रेडी रहते हैं ऑलवेज की। उसके बाद हम ये हुला लूप कर रहे थे, बहुत ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं
समर कैंप में एक दिन में तो मतलब कुछ कुछ ही हो पाती है, तो डेज डिवाइड करते हैं कि इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे। हॉर्स राइडिंग भी मुझे करनी थी बट वो हुई नहीं आज के दिन, तो व्लॉग में आई नहीं। बच्चे बोल रहे थे स्कूल रहने दो, समर कैंप को ही एक्सटेंड कर लो। और ये यहाँ पे मैं भी ट्राई कर रही थी। और ये सर बच्चे को डांस सिखा रहे थे लास्ट डे प्रिपरेशंस के लिए। म्यूज़िक नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। तो यहाँ से मैं स्विमिंग करने के लिए आ गई थी। स्विमिंग तो मैंने कम सीखी, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ज़्यादा बनाए रील्स बनाने के लिए। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लीना आर्ट स्टूडियो से मेरा अकाउंट है, जाके फॉलो कीजिए। बाय।